हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं संतोष कुमार गुप्ता आज आपके लिए गाइस एमएस वर्ड का पार्ट 7 लेकर आया हूं। पार्ट 7 जिसमें आप व्यू मेनू के बारे में जानेंगे। व्यू मेनू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेनू है हमारे एमएस वर्ड का, और इसमें आपको कई सारे व्यू से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। चलते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं व्यू मेनू में क्या क्या चीजें हमको सीखने को मिलती है। गाइस यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं एमएस वर्ड पे, और एमएस वर्ड पे हमने इसके पहले होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, ये मेनू पहले से हम बता चुके हैं। आप वीडियो में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, एमएस वर्ड के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब हम व्यू मेनू की तरफ चलते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है। व्यू मेनू में सबसे पहला सेक्शन जो आता है वो है डॉक्यूमेंट व्यू, नेक्स्ट है शो, जूम, विंडो और माइक्रोज। डॉक्यूमेंट व्यू में हमें पेज के व्यू टाइप मिलेंगे, जैसे यहाँ है प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। अब यहाँ पे अगर हम फुल स्क्रीन करते हैं तो हमारा जो पेज है ये फुल स्क्रीन के रूप में दिखाई देगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। इसके बाद में बाय डिफॉल्ट अगर पूछा जाए तो प्रिंट लेआउट के रूप में रहता है। वेब लेआउट पे जाएंगे तो जैसा कि हमारा वेबसाइट का पन्ना होता है यानी वाइड, ये पेज हमारा दिखेगा। आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो आउटलाइन पे यहाँ आउटलाइन वाइज आ जाएंगे। हम कुछ भी यहाँ लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से क्लोज करेंगे और फिर हम व्यू मेनू की तरफ पहुंचेंगे। लास्ट हमारा इसमें आता है डॉक्यूमेंट व्यू सेक्शन में ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में इस तरीके से पेज हमारे दिखाई देंगे। तो ये हमने जाना कि 5 तरीके से डॉक्यूमेंट व्यू है, जिनमें प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट है। सबसे बेस्ट अगर देखा जाए लेआउट तो हमारा प्रिंट लेआउट है। क्यों ये सबसे बेस्ट है? क्योंकि यहाँ पे हम जो भी चीजें प्रिंट करते हैं वो एक्चुअल दिखाई देती है, जैसा कि पन्ना हमारा प्रिंट होना है, एक्चुअल साइज, मार्जिन, सब कुछ हम यहाँ से देख सकते हैं और इनको सेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज हमारा सेक्शन जो आ रहा है इसमें, यह है शो सेक्शन। शो सेक्शन में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे हमको मिलते हैं रूलर, ग्रिड लाइन और नेविगेशन पेन। रूलर में यहाँ पे रूलर से टिक हटाते हैं, फिर यहीं से रूलर भी एक्टिवेट करते हैं। रूलर एक तरीके से मेजरमेंट यूनिट है, ये माप की इकाई है। हमें कोई भी दस्तावेज जब हम तैयार करते हैं तो उसमें हमें रूलर लेना आवश्यक होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा डॉक्यूमेंट का साइज क्या होगा, यानी पेज हमारे कितने बाई कितने। मान लीजिए आपको 5x4 में कोई मैटर बनाना है तो हम 5x4 में मैटर बनाने के लिए इनको सेट करेंगे, यानी रूलर का लेना आवश्यक है। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इनको हम यहाँ से ये 5 के पॉइंट पे लगभग कर दिया है, एग्जैक्ट यहाँ से 5 पे हो गया है। इनको नीचे से भी हम ऐसे स्क्रोल करके ऊपर खींच लेंगे, जितना चाहिए उतना हम इनको सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम रूलर के थ्रू जितना पेज का माप लेना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं, फिर हम इनको कंट्रोल जेड करके फिर हम एक्चुअल पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रिड लाइन आता है। ग्रिड लाइन पे टिक करने से या ग्रिड लाइन आ जाएंगे, और टिक हटाने से ग्रिड लाइन होता ऑटोमेटिक यहीं से फिर गायब भी हो जाएंगे। टिक हटाने के बाद में ग्रिड लाइन हमारा गायब हो जाएगा। नेविगेशन पेन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नेविगेशन पेन का एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम जिस पर भी, जिस भी कंटेंट पे या जिस भी हम अक्षर पे क्लिक करते हैं हम डायरेक्टली वहां पहुंच जाते हैं, या वो अक्षर हमारे सेलेक्ट हो जाते हैं या उनके आगे ये एक्टिव हो जाता है। ये था हमारा नेविगेशन पेन, यहीं से ये एक्टिव भी होता है, यहीं से इनएक्टिव भी होता है। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है जूम ऑप्शन। जूम ऑप्शन में हमारा जूम है, जूम पे क्लिक करेंगे। यहाँ मिनिमम जूमिंग बाई डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो हमारा 100 है, ये 75 यहाँ से कर सकते हैं, 200 यहाँ से कर सकते हैं, और अगर हम मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल भी हम जान सकते हैं कि इसकी जूमिंग कितनी होगी। देखिए ये बता रहा है कि मिनिमम आपकी जो जूमिंग होगी वो 10% और मैक्सिमम 500%। तो एमएस वर्ड में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम पेज की जूमिंग कितनी होती है तो हम मिनिमम 10% कर सकते हैं, मैक्सिमम इनको हम 500% कर सकते हैं, और अगर बात आती है कि नॉर्मल कितना होता है तो नॉर्मल हमारा 100% होगा, यानी 10, 500 और 100, ये हो गया जूमिंग। जूम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, एक ये डायलॉग बॉक्स आता है, ये कह रहा है पेज विड्थ के हिसाब से रखना है, टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से रखना, होल पेज रखना है।
जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जूमिंग वैसा ही इसका आएगा। जूम के लिए हमारा अगर स्टेटस बार एक्टिव है तो यहां से भी हम जूम कर सकते हैं, जैसे ये 50, 60, 70 ऐसे ऐसे करके हम जूमिंग इनका बढ़ा सकते हैं। ये है हमारा पेज वन, टू पेज, पेज बिट। पेज वन इस तरीके से दिखेगा, टू पेज में करते हैं तो अगर मैटर हमारा पूरा फिल होगा, यानी दो पेज में अगर मैटर होगा तो उनको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, यानी वन बाई वन करके हम साइड बाई साइड इनको सेट कर सकते हैं। जैसे ये अब इस तरीके से हमारा पेज साइड बाई साइड दिखेगा टू पेज में। पेज विड्थ में करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, फिर हम इनको वन बाई वन के रूप में देखेंगे। अब अगर वन बाई वन देखना है तो हम पेज विड्थ पे जाएंगे, साइड बाई साइड देखना है तो टू पेज पे जाएंगे, फिर वन पे करेंगे हम पहले पेज पे पहुंच जाएंगे। तो गाइज ये था जूम सेक्शन। जूम सेक्शन में हमने जाना जूम कैसे करते हैं, मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, नॉर्मल कितनी होती है, और पेज वन पेज, टू पेज और पेज विड्थ। अब हम चलते हैं विंडो सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा ये विंडो सेक्शन। इनमें हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, एक नया विंडो आ जाएगा। जो भी कंटेंट हमारे गाइज फर्स्ट विंडो में लिखे थे, यानी पहले विंडो में लिखे थे, वही सारे कंटेंट हमारे नेक्स्ट जो भी हम विंडो लेंगे उसमें भी वैसे ही सेम लिख के आ जाएंगे। तो जितना भी आप लेना चाहते हैं न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे उतना आपका यहाँ पे शो करता हुआ चला जाएगा। इसके बाद में गाइज हम इनको बड़ा कर लेंगे और अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। ये क्या करेगा, जितने भी हमारे ये डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं अलग अलग हमारे ये सारे विंडोज एक एक करके ये शो करेंगे। हम ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी और सबसे नीचे भी। तो इस तरीके से हम विंडो को अरेंज कर सकते हैं। अब है हमारा स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो से हम विंडो को तोड़ते हैं। जहां से आप पेज को तोड़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा टूट के दो पार्ट में हो गया। अब हम चाहे यहाँ मेटल लिखें चाहे यहाँ लिखें, ये हमारे पार्टीशन हो गए। और अगर नहीं चाहते हैं तो हम रिमूव पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये हट भी जाएगा। ये है व्यू साइड बाय साइड। यहाँ पे जाएंगे तो जैसा कि हमने दो डॉक्यूमेंट ले रखे हैं, अगर हम वन बाई टू पे जाना चाहते हैं, यानी पहले और दूसरे से कंपेयर करनी चाहते हैं, तो पहला और दूसरा हमारा आ गया। अगर हम यहाँ से साइड बाई साइड पे जाते हैं तो फिर हम वन बाई वन करेंगे तो ये पहले पे आ जाएगा। इसके बाद में हमारा ये है सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग। रीसेट विंडो पुनः फिर उसी तरीके से हो जाएगा। और स्विच से जाएंगे तो हम दूसरे पे पहुंच गए, यहाँ से हम पहले पे पहुंच गए। तो जैसा चाहें वैसा हम यहाँ से स्विच करके पहुंच सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे जिस पर भी जाना चाहें हम बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। गाइज ये था हमारा व्यू मेनू। और एमएस वर्ड के व्यू मेनू में हमने देखा डॉक्यूमेंट व्यू और शो सेक्शन, जूम सेक्शन, विंडो सेक्शन और हमारा माइक्रोज है। माइक्रोज से हम गाइज रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ से हम कोई भी माइक्रो का नाम दे देंगे, जो भी नाम देना चाहते हैं, और यहाँ ओके कर देंगे। तो ये इनवैलिड प्रोसीजर दिखा रहा है। इसको जो है हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में पूरा इसका एक एक डिटेल हम आपको बताते हैं कि कैसे माइक्रो का यूज करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमको एक फ्रेश पेज लेना पड़ेगा और पूरी डिटेल आपको एक एक करके समझानी पड़ेगी। तो वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए हम इनको दो पार्ट में आपको समझाएंगे। गाइज ये जो भी अभी हमने आपको समझाया, ये वीडियो आपको कैसी लगी इनको जो है आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, देखने के बाद में अगर आपको कोई शंका है, कोई समस्या है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। वीडियो कैसी लगी ये हमको जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।